कुछ लड़ाइयों में आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ खड़े रहना है। क्या करना होगा यीशु मसीह, इन लोगों ने तो इतनी गंदी गंदी बातें बोल दी, कुछ नहीं, सिर्फ शेर सामने खड़े होंगे, तुम उनके सामने खड़ा हो, ताकि ये गवाही ठहरे कि दानियल शेरों के सामने खड़ा था, शेरों ने कुछ नहीं किया, ना ना, खुदावन शेर और दानियल के बीच में खड़ा था। Come on, now give him the glory. दानियल और शेर के बीच में खुदावन खड़ा था। कलाम में लिखा हुआ कि शेरों के मुंह को खुदावन ने बंद कर दिया। खुदावन सिर्फ तुम्हें इसलिए चाह रहा है कि शेरों की मांग में जाओ, ताकि वो वहां पर दिखा सके ये दानियल है, बोलता कुछ नहीं है, पर खुदावन इसके साथ खड़ा होकर शेरों को चुप कराना जानता है। ठहरे रहो, कम ऑन, ठहरे रहो, अपने ऑफिस में सिर्फ चुपचाप ठहरे रहो, कम ऑन, अपने ऑफिस में ठहरे रहो, जवाब देने की जरूरत नहीं है, बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, उस पोजीशन में जिसको आप छोड़ के जाना मांग रहे हैं, जिसको आप लात मार के जाना चाह रहे हैं, अरे मेरे मैनेजर ने ये कर दिया, अरे मेरी सास ने ये कर दिया, अरे मेरे परिवार वालों ने ये कर दिया, यू वॉन्ट टू किक एंड लीव, आई वॉन्ट टू टेल यू, जिसको आप लात मार के दूर करना चाह रहे हैं, बरकत आपकी उसी जगह पे, वहीं पर ही ठहरे रहो, खुदा वहीं पर ही उठाएगा। इस खिदमत को लात मत मार देना, इसी मिनिस्ट्री में ठहरे रहना, इसी मिनिस्ट्री में ठहरे रहना, झेलते रहना, खड़े रहना, क्योंकि जब खुदावन तुम्हें उठाने पे आएगा तो एक एक जन को पता चल जाएगा, इसके साथ खुदावन है, जिसके साथ खुदावन है, जिसके साथ यहोवा है, जिसके साथ यहोवा है, खुदावन उसको उठाता चला जाएगा। मर्दके के लिए कहा गया था, वो आगे आगे दौड़ रहा था, और पता क्या कहता जा रहा था, जिससे राजा खुश हो उससे ऐसा ही किया जाएगा, बस ठहरे रहना। मर्द के सुबह भी वैसे ही खड़ा है, हमान गालियां बक रहा है, मर्द के ऐसे ही खड़ा हुआ है, हमान प्लान बना रहा है, मर्द के ऐसे ही खड़ा हुआ है, हमान उसके सामने से चारा देख रहा है, थोड़े दिन में तुझे खत्म कर दूंगा, तू तेरा पूरा कुनबा खत्म हो जाएगा, ये चुपचाप खड़ा हुआ है, इसे डर तो लग रहा है, इसे घबराहट तो लग रही है, पता नहीं मेरे साथ कल क्या हो जाएगा, लेटर निकल गया है, टाट पहन लिया है, राख पे बैठ गया है, रो रहा है, पर ठहरा हुआ है, तब भी वही कर रहा है जो करना चाहिए था, तब भी इबादत करने में बना हुआ है, कम ऑन, तब भी चर्च आ ही रहा है, बीमार है तब भी चर्च के अंदर है। आई वॉन्ट टू टेल यू, कुछ लोगों की बड़ाई इससे नहीं होती है कि जब वो बहुत अच्छे होते हैं और बहुत तंदुरुस्ती में काम करते हैं, कुछ लोगों की बड़ाई सिर्फ इससे होती है कि वो बहुत बीमार होते हैं और बहुत डाउन होते हैं और शरीर में कोई ताकत नहीं होती है, तब भी वो खुदा के जन की तरह ठहरे हैं, ठहरे हैं, से पता नहीं चलेगा पर ठहरे हैं, दिमाग से पता नहीं चलेगा पर ठहरे हैं, दिमाग उनका फिरा होना चाहिए था बीमारी के कारण, मुंह उनका उतरा होना चाहिए था, पर ठहरे हैं, मालूम क्यों? He has decided to honor God and the people who decides to honor God will be lifted up. ठहरे रहो।